बात तो ये कि एक अलगाववादी संगठन की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना पहले तो ये कोई बात बनती नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि जमात की तर्ज पर आरएसएस पर भी बंदिश लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, वो शायद ये समझते ही नहीं कि आरएसएस क्या है, क्योंकि इनकी परवरिश, इनका राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसे वातावरण में हुआ है जहां किसी और तरह की ही बातें की जाती हैं और जहां अलगाववाद को एक एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है, जहां भारत को तोड़ने की बात होती है। ये कभी कल्पना कर ही नहीं सकते कि राष्ट्र सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे लगभग 100 वर्ष का इतिहास है, त्याग का, बलिदान का, मात्र और मात्र भारत की प्रभुसत्ता और राष्ट्रवाद को बनाए रखने के लिए। शायद इन बात इनको इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि नानाजी देशमुख जो उस समय राष्ट्र आरएसएस के प्रधान थे और जिनको इस साल भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया मरणोपरांत, इमरजेंसी के दौरान जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर लाठी चार्ज हुआ तो वो बीच में आ गए और उन्होंने लोकनायक के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी, अपनी उस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने लाठियां झेल ली। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, क्योंकि जेपी नारायण का ताल्लुक आरएसएस के साथ नहीं था, ना ही जनसंघ के साथ था, तो नारायण जी ने कहा कि इसलिए कि इस समय इस व्यक्ति की देश को आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान उन्होंने प्रारंभ किया था उस समय जेपी ने इंदिरा जी की इमरजेंसी के खिलाफ। वो आरएसएस है जिसके नेता, जिसके स्वयंसेवक देश के हित को अपने और अपने संगठन के हित से भी सर्वोपरि मानते। अब ये बात भला इन लोगों की समझ में कहां आएगी? सर, जिस तरह का दमन बनर्जी का बयान आया है कि जो अटैक हुआ है उस पर कोई टिप्पणी होनी चाहिए, क्या कहेंगे, सबूत मांगे गए हैं, क्या कहेंगे इसके प्रति? मुझे लगता है कि इससे अधिक पाप नहीं हो सकता देश की सेना के प्रति। देश ऋणी है सेना के प्रति, और अब तो पाकिस्तान में चलने वाले वो प्रशिक्षण कैंप के लोग और मौलवी अजहर के साथी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें क्षति पहुंची है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक ये स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि राजनीतिक क्षति पहुंचने वाली है इस कारण चुनाव में।